नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, 11:30 का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद सभी टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देश भर में कोरोना की स्थिति बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 81,000 से अधिक मामले देखने को मिले हैं। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है वो मैं आपको वीडियो के अंत में विस्तार से बताने वाला हूं। और बता दूं, पूर्वी लद्दाख से जल्द ही जो चीनी सैनिकों की वापसी हो सकती है, इसके लिए बातचीत चल रही है और इसमें जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है। और सरकार ने दलितों के बच्चों की पढ़ाई में अब नहीं कोई कोताही बरतेगी या नहीं दिखेगी। SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने तय की नई गाइडलाइन, राज्यों को अमल के लिए भेजा नोटिस। और बता दूं कि कृषि सुधार को लेकर जो है हरी झंडी मिलते ही सरकार 9 निजी मंडियां शुरू करेगी, जिसमें निवेश लोगों का होगा। और लगातार म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों पर हमले हो रहे हैं जो खतरनाक है, इसका क्या जो है रिजल्ट आएगा उसको किसी को पता नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है म्यांमार में। और मैं बता दूं कि 11 राज्यों में जो है कोरोना का हालत चिंताजनक है। और रेलवे को देना पड़ा 1288 करोड़ रुपए का मुआवजा। रेलवे की लापरवाही इस कदर जो है भारी पड़ गई है कि उसे जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है मृतकों के आश्रितों को देना पड़ रहा है। इसके लिए कानून लड़ाई भी लड़नी पड़ी है। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल RCT में मानना पड़ा कि रेलवे की लापरवाही से ही यात्री की जान गई है। रेलवे ने को अपनी भारी साख बचाने के लिए भारी भरकम मुआवजा भी देना पड़ा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां देश दुनिया से जुड़ी हुई। चलिए जानते हैं आज के क्लास में क्या है खास। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल उनके जवाब देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन अपडेट है, डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स अपडेट है, जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के इतिहास से और जानते हैं क्या है आज के इतिहास में खास इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 2010 में एप्पल ने अमेरिका में फर्स्ट जनरेशन आईपैड लॉन्च किया था। कितना? फर्स्ट जनरेशन का। यह एक टेबल कंप्यूटर था जिसे एप्पल ने डिजाइन किया था। 9.7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले में उपलब्ध था। इसमें इंटरनेट चलाने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने तथा गाना बजाने की सुविधा उपलब्ध थी। आज ही के दिन वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने बेटन द्वीप पर कब्जे के लिए अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं पर जो है 100 विमानों और टैंकों से बमबारी शुरू की। जापान ने दुश्मन सेनाओं को खदेड़ दिया और 9 अप्रैल 1942 को बेटन द्वीप पर ने जो है समर्पण कर दिया गया। आज ही के दिन वर्ष 1914 में अदम्य साहस और बुद्ध युद्ध कौशल के लिए मशहूर पूर्व सेना अध्यक्ष सैम मनेक्सो का जन्म अमृतसर में हुआ। परिवार मूलतः गुजरात के वलसाड से था। IIM देहरादून से के पहले बैच के छात्र ये रहे हैं। 1969 में सेना अध्यक्ष बने। 1971 में युद्ध कौशल से पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1972 में पद्म भूषण और 1973 में फील्ड मार्शल से अलंकृत हुए। ये था आज का आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो कंपनी मामलों के मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में 1.55 लाख यानी 1,55,000 से अधिक कंपनियां गठित हुई है। तो आप देख सकते हो कि 2021 में यानी मार्च का जो क्लोजिंग डेट था 1 अप्रैल 2021 के बीच जो है 1,55,000 से अधिक कंपनियां गठित की गई। एक वर्ष पहले की तुलना में यह संख्या जो है 27% भी अधिक रही है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 42,186 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप गठित हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना काल में भी देश में 19 से ज़्यादा कंपनियां का गठन हुआ है। तो यानी देश की तरक्की हो रही है, फिर भी कोरोना से हम सभी को बचने की जरूरत है और कोई सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो है अपनी काम करनी है, अपनी व्यापार को चलाना है, कंपनियां गठित करनी है। कंपनियों को अच्छी टर्नओवर लाने के लिए जो है कोरोना का गाइडलाइन को फॉलो करवाएं, कर्मचारियों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवारों को भी जो है कोरोना से बचने का सलाह दें और गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करवाएं।
तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए जानते हैं आज का मोटिवेशन लाइन, थॉट्स ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, क्योंकि बिना कोटेशन का, बिना मोटिवेशन का जो है हम सभी के लिए क्लास अधूरा सा लगता है। तो चलिए जानते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। क्या बात है, क्या खूब किसी ने कहा है कि निंदा यानी निंदा यानी डिसअप्रिसिएशन जो है हर लोग करते हैं, लेकिन उनको जो जो, जो लोग करते हैं उनके लिए जो है आपको से एक सीख लेने की जरूरत है कि वो आपको शिक्षित कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ना कि आप उससे डिमोटिवेट हो। तो ठीक है, तो निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राह बदल जाती है। आपको बार बार निंदा की जा रही है कि आपने नहीं पाया, ये नहीं किया, ये लाइफ में नहीं किया, लेकिन जब आप कर लेते हो तो उसका क्या, उसकी राह बदल जाती है, लोग अप्रिशिएट करना लगते हैं, और प्लस समाज प्लस सोसाइटी पूरे लोग जो है देश दुनिया से हर जगह आपके जो है तारीफ ही तारीफ निकलती है। अब तो ये बिल्कुल सही है कि निंदा से घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है और अपना जीवन में सफलता हासिल करते रहनी है और प्रयास जारी रखना है। तो चलिए ये था आज का मोटिवेशन लाइन। तो चलिए जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, क्योंकि इसका नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को फटाफट। तो पहला न्यूज की ओर बढ़ते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए 2,20,00,000 रुपए दिए हैं, करीब $3 के आसपास दिए गए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी के लिए दिए गए हैं $3,00,000 यानी 2,20,00,000 रुपए। ये जानकारी भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन के प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ही लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के विचार को आगे बढ़ाता रहा है। भारत के सहयोग राशि दिए जाने पर सहायक महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक अनीता भाटिया ने आभार जताया है। नेक्स्ट, चीन ने दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन फास्ट को संचालन शुरू कर दिया है। तो ये चीन का सबसे बड़ा है, जो कि चीन के मैच्यू टिंग्स में जो है इसको बनाया गया है, काफी फेमस है ये। तो चलिए आगे रुख करते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियां आपके साथ शेयर करना है, करनी है। तो मैं बता दूं कि चीन जो है लगातार इस तरह के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। चीन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है एक तरह देखा जाए तो। 30 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर्स डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को जो है विश्व भर में मनाया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर जो भी हैं उनको जो है देखने की शक्ति को जो है बढ़ावा दिया जाए, उनको देखने की क्षमता में सुधार किया जाए या जो भी समस्याएं हैं उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, ये बातें जो है उन पर की गई है। नेक्स्ट, अभी केंद्र सरकार ने जो भूमि भूखंड को चिन्हित करने के लिए 14 अंक का विशिष्ट भूमि पार्सल यूनिक संख्या जारी करेगी। जिस तरह से आधार कार्ड में 12 अंक की होती है, इस तरह से लैंड में भी जो है अगले साल 2021 से शुरू हो जाएगी। ये जो है 14 अंक का होगा, जिसको ULPIN बोलते हैं, है ना, विशिष्ट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो है मिलेगा। ये याद रखें ULPIN, ये के एब्रिविएशन एक्रोनिम्स बन सकता है। तो चलिए आगे रुख करते हैं। तो इसको जो है 6 देशों के द्वारा जो है, राज्यों के द्वारा जो है इसको नंबर प्रोवाइड करने का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही 2021 में जो है आरवा में 14 अंकों का नंबर जो है सभी राज्यों को मुहैया कराया जाएगा लैंडों का, जो आपके पास लैंड है। DRDO ने सेना के लिए जो है कम वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट सूट जो है बनाई है। ये मात्र 9 किलो वजन का है, जो कि आने वाले समय में जितने भी आर्मी के जवान हैं, सेना हैं, उनको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। उनको ज़्यादा समस्याएं नहीं होगी और वो जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो इसको DRDO ने बनाया है। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। DRDO से जो बता दूं मैं कि इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। चेयरमैन जो है जी सतीश रेड्डी जी हैं। और नेक्स्ट बता दूं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस तो के बारे में मैं बात करूं कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र चौधरी मोदी जी हैं।
इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका गठन जो है 1944 में किया गया था। तो इसने जो है एक नया नोटिफिकेशन दिया है, जो कि बता दूं कि वर्ष 2021-22 के लिए अवधि के लिए जो आयकर रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जो है आयकर विभाग ने जारी कर दी है। नए फॉर्म में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि आईटीआर फॉर्म 1 सहज और आईटीआर फॉर्म 4 सुगम की ओर से सरल किया गया है, यानी 1 और 4 को सुगम किया गया। तो मैं इसको लास्ट में अंत में विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट खबर की ओर रुख करते हैं। रूस ने जानवरों के लिए जो है पहला कोरोना टीका पंजीकृत करा लिया है। तो देख सकते हैं कि रूस के पद ने जो है पहली बार वैक्सीन भी शुरू की थी, जो कि रूस के व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति उनकी बेटी को तो दिया गया था। तो अब जो है नया कृत्रिमान स्थापित किया गया रूस के द्वारा, जो कि जानवरों में जो कोरोना हो रही है उसको किस तरह से रोका जा सके उसके लिए जो है एक टीका का पंजीकरण किया गया है। तो जल्द ही जो है मार्केट में आने वाला है। नेक्स्ट आदमी हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021 का आयोजन जो है तजाकिस्तान के दुशांबे में किया गया है। तो काफी जो है इन दिनों काफी प्रसिद्ध रहा ये। इसमें 29 से 31 मार्च तक जो है ये 30 मार्च तक ये कार्यक्रम चला। 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसमें जो है इसमें आयोजित किया गया था, जो कि तजाकिस्तान के दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021। इसमें बहुत सारे बातें निकल कर आई है, यानी एशिया में किस तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, एशिया में जितने भी संस्थाएं हैं उसको किस तरह से जो है वो एक तालमेल के साथ काम करें, उसमें सभी पर जो है बातचीत हुई है। और जो भी एशियाई देश हैं सभी आपस में मिलकर जो है कोरोना को भी लेकर बातचीत किए हैं। नेक्स्ट आदमी ICC ने क्रिकेट के DRS नियम में संशोधन जो है करने जा रही है। DRS बोले तो डायरेक्ट रिव्यू सिस्टम इसमें जो है करने जा रही है, जो कि एक जो है एम्बेडमेंट संशोधन करने की बात हो रही है। तो लेग साइड बॉल या आप की बोल सकते हो कि LBW में जो है उसमें संशोधन करने की बात उठी है। तो जल्दी जो है इसमें आपको संशोधन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आदमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों का जो है मांग 70% का इजाफा हुआ है। मैं बता दूं 2019 में लगभग जो है मार्च 2021 में 70% से अधिक जो है ये उत्पादों का जो है मांग बढ़ा है। इसका इन्फॉर्मेशन जो है भारतीय इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा जो है दी गई है। और बताया गया कि विदेशी बाजारों में जो है भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों का जो है मांग लगातार बढ़ रही है। और इसमें बताया गया है कि धीरे धीरे बाजार में सुधार हो रहा है, लेकिन कोरोना का जो है स्थिति उद्योगों के तहत बनी हुई है और लगातार जो है स्थिति और क्रिटिकल हो रही है। तो इसमें जो है भारत जो है अपनी तत्परता के साथ खड़ी है और वैश्विक स्तर पर जो है लोगों को मदद कर रहा है सभी देशों को। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको जानते हैं। तो प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वार भाटा के आने के कारण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव है। धरती की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। एक वस्तु का भार गुरुत्व और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है। यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम का आवर्त काल बढ़ेगा। भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय जो है 24 घंटा का होता है। ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि धरती की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। भूस्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल और परिभ्रमण समय जो 24 घंटे का होता है। यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम का आवर्त काल जो क्या है वह बढ़ेगा। तो इम्पोर्टेंट सवाल जो है 5 जो लगातार मैं आपको प्रत्येक दिन लेकर आ रहा हूं, तो इसको आपको नोट बनानी है, तैयार करनी है, ताकि जो है इस तरह सवाल पूछने पर आसानी से इसका जवाब दे सको। आप रिविजन डालो, उसको याद करो, जिस तरह से आपको जैसी परिस्थिति के अनुसार आपको काम करना है तो आपको करो, लेकिन याद करो या इसका नोट जरूर तैयार करो, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेंगे, चाहे पूरे का पूरे या एक या दो, लेकिन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए तो ये एग्जाम से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि सरकार ने जो है ITR फाइल में जो है
एक नोटिफिकेशन जारी किया जो कि ITR 1 और ITR 4 में, जो कि सुगम और सहज है। तो छोटे और मध्य करदाता जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है, साथ जिनका कमाई का जरिया सिर्फ वेतन और एक घर या ब्याज जैसे स्रोत है, तो वो रिटर्न भर सकते हैं। ITR फॉर्म की बात की जाए तो यह फॉर्म हिंदू अविभाजित यानी हिंदू अनिवार्यड फैमिली और कंपनियों की ओर से भरा जाता है जिसकी किसी कारोबार जिनकी किसी कारोबार या पेशा से सालाना कमाई जो है 50 लाख रुपए तक हो, तो वही जो है ये इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो ITR 3, ITR 5, ITR 6, 7, 2 और 1 सभी को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आने की भारत में सक्रिय मामले कोरोना के क्या हैं, कितने हैं, तो 6,14,696 हैं। भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का वायरस का प्रकोप। कुल संक्रमितों की संख्या 1,23,03,131 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के मामले की संख्या जो है लगभग 81,466 सामने आए हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या जो है लगभग 1,23,03,000 के आसपास पहुंच गई है। वहीं इसी दौरान लगभग 50,356 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसे मिलाकर अब तक 1,15,25,000 मरीज कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों में लगभग 6,14,000 के आसपास है, उससे अधिक है। इसी अवधि में 496 और मरीजों की मौत हुई। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,63,396 हो गई है। तो देख सकते हैं कि लगभग 500 के आसपास लोग मर भी रहे हैं और 80,000 से अधिक जो है लोगों की संख्या कोरोना के पेशेंट की संख्या निकल रही है। तो अब वो समय आ चुका है कि आप जो है लॉकडाउन का रूप लेने वाला है और आप जो है क्वारंटाइन रहें, स्वच्छ रहें, सरकार का गाइडलाइन का पालन करें, तभी ये संभव हो सकेगा कि कोरोना को फैलने से बचाया जा सकेगा देश को, हमारे समाज को, हमारे राज्य को। अन्यथा ये जो है भयावह रूप ले सकती है और लोगों को जो है ब्राजील और अमेरिका जैसे नौबत आ सकती है देश में। तो हम सभी को बचने की जरूरत है। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको क्लास से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।